अब आप देखिए गाड़ी अपने आप जा रही है पीछे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ उसमें, पीछे कोई मुझे पुल नहीं कर रहा, मेरे मिरर में देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी हम लोग जा रहे हैं दुर्दो, जो कि रन ऑफ कच्छ है। एक्चुअली जीपीएस में रन ऑफ कच्छ नहीं दिखाता है, सच टेंशन ही दिखाता है। सो वी आर गोइंग टू दुर्दो एंड वी आर गेटिंग रेडी, ठीक है। बाइक्स रेडी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स लाइक 80-90 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड ये जो है, मैं आपको ये दिखा दूँ, ये जो है लोन राइडर का ये हेडलाइट गार्ड होता है, तो ये इसमें आप इस तरह से नेट को निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने, मेरे पास है नेट बट मैंने लगाई नहीं है अभी तक, मैंने अभी तक है ना हेडलाइट गार्ड लगाया नहीं है। मुझे लगता है सपोज कि मतलब यू नो आई जस्ट डोंट वांट टू मिस द वे इट लुक्स, दैट्स अबाउट इट। वहाँ पर उज्जवल जो है ड्रोन अपना रेडी कर रहे हैं, ठीक है। सो बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी बिग, ठीक है, सो वी वॉन्ट टू टेक ए ड्रोन शॉट। ये जो है हमारे पोस्टर बॉय जो हैं ये आ गए हैं बाहर, ठीक है। ये ड्रोन जो है उड़ाया, इसका कंट्रोल मॉड्यूल है, पूरा वीडियो गेम की तरह होता है ड्रोन। देखिए क्या हुआ कि अभी मुझे फ़ोन आया, वीडियो कॉल मेरी सिस्टर के फ़ोन से, तो मुझे लगा मेरी सिस्टर मतलब मुझे इतनी मोहब्बत कि मुझे वीडियो कॉल कर रही है, मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मुझे पता लगा कि एक्चुअली वो मरियम ने गलती से कर दिया था। फिर जो है मरियम क्या हुआ, क्यों परेशान करती हो इतना, थोड़ा अच्छे से खिदमत करो। अरे अरे हेलमेट है बेटा, शाक नहीं है, वो हेलमेट है, हेलमेट। व्हाट्स योर नेम? बेबी शाक नहीं नाम है यार। अच्छा आप उनके अगर हेलमेट पे, पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, जो इंटरकॉम लगा है, जो रेडियो लगा है, वो मैं यूज़ करता हूँ सीना का, क्योंकि सारे ग्रुपमेट सीना का यूज़ करते हैं। ये लगा, ये यूज़ कर रहे हैं कार्डो, ठीक है। तो वो पैरेलल मैन्युफैक्चरर, मतलब इट्स अनदर ऑप्शन यू कैन हैव, बट देन डिपेंड्स ऑन आपके ग्रुप में लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपकी पेयरिंग अच्छे से ईजिली हो सके। सीना इज़ मोर पॉपुलर एक्चुअली। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो, क्योंकि थोड़ा रिमोट लोकेशन रहेगा, इसलिए खाने का हमें श्योर नहीं है कि हमें वहाँ ऑप्शन मिले, तो हम यहाँ पर रुके हैं। हम यहाँ पे गुजराती स्ट्रीट फूड ले रहे हैं, एक तो हमने चना जोर गरम लिया है, वो तो आप सब जानते ही होंगे, बट ये ढाबेली जो है वो आई थिंक इट्स गुजरात स्पेसिफिक। तो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अक्षय भाई को, ये लोकल गुजराती हैं, इसी एरिया के हैं। इन्होंने कल विक्रांत भाई को देखा, ठीक है, तो दे हैपन टू टॉक, ठीक है, एंड ही इज़ काइंड इनफ कि हमको, हमारे साथ अभी आए हैं और हमको लेके जा रहे हैं जहाँ हमको जाना है, या फिर जो इनको बेस्ट जगह पता है। तो थैंक यू अक्षय भाई। अब कहाँ से हो आप? मैं अमरेली जिले से हूँ। कौन से जिले? अमरेली डिस्ट्रिक्ट। अमरेली डिस्ट्रिक्ट आसपास ही यहाँ पे? हाँ जी जी जी, यहाँ पे आसपास नहीं है, वो पूरा उस साइड में पड़ जाएगा, जो बोलते हैं ना सौराष्ट्र, वहाँ पे राजकोट से भी आगे। ही इज अमन भाई, ही इज आल्सो फ्रॉम करनाल, ठीक है। तो अगली बार करनाल जाएंगे तो फिर बेकरी पे भी आने का जरूर। यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है। तो गाइस ये है मैग्नेटिक हिल्स, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कमाल। देखिए ये स्लोप है, अब मैं जा रहा हूँ डाउन हिल, ठीक है। अब मैं डाउनहिल जा रहा हूँ, डाउनहिल आपके सामने खड़ा हो जाता हूँ मैं और गाड़ी को न्यूट्रल कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए गाड़ी अपने आप जा रही है पीछे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ उसमें, पीछे कोई मुझे पुल नहीं कर रहा, मेरे मिरर में देख सकते हो, ठीक है। ये अपने आप गाड़ी जो है पीछे जा रही है और काफ़ी स्पीड से जा रही है, मतलब लद्दाख में इतना स्पीड से नहीं जाती है, लद्दाख वाली मैग्नेटिक हिल में ये काफ़ी स्पीड से जा रही है, आप खुद देख रहे हो इसको। हाँ ये देखिए, अब ये पार्किंग एरिया है और यहाँ से ऊपर जाएंगे हम। ओह माय गॉड, आई कैन सी, एक व्यू तो मेरे को मिल ही गया। गाड़ियाँ हमने नीचे खड़ी कर दी हैं, ये लोकल मार्केट है यहाँ का, मतलब जो टूरिस्ट जगह पर होता है इस तरह से, और यहाँ पर ऑलमोस्ट तकरीबन हाफ ए किलोमीटर का वॉक है।
ये वॉकवे है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का। वॉल ऑफ चाइना की तरह ही लग रहा है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वाइट रन पे और आप देख सकते हो ये पूरा जो है छोटा सा रोड है शंकरा और पूरा आसपास जो है मैदान है, खुले बड़े बड़े मैदान है, एकदम सूरज सामने है तो बहुत मुश्किल है देखना, बट लेट्स सी। निकालो 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 फटाफट। ये पूरा जो है खुले मैदान है, एकदम बंजर लैंड। ये सिंगल रोड ही है एक्चुअली, तो यहाँ ओवरटेक करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा, ज़रा सा भी अगर आप यू नो कंट्रोल लूज करते हो तो गिर जाओगे। हाँ जी चलिए 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 ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम इंतज़ार इसके क्रॉस होने का, इसके बाद अपन चलते जाएंगे। हाँ हाँ ये रोड काफ़ी डिफरेंस है यहाँ, मतलब ये जो वॉल है ना साइड वॉल वो काफ़ी बड़ी है, मोटी है, ठीक है, तो वो थोड़ा संभालना है उसको ज़रा। चलो चलने दो। अब इतना ट्रैफिक है यहाँ पर, ठीक है, आई थिंक यहाँ आगे एंट्री करवाना पड़ेगी, आई एम नॉट श्योर, नहीं है हम लोग तो बहुत पब्लिक, आप टाइम लेकर आए यहाँ पर तो आसान नहीं है। आगे कितनी गाड़ियाँ हैं अगर दिख रहा है कैमरे में तो देखो। हाँ जी हाँ जी यार मैं बोल रहा हूँ इधर भारी रुकेंगे, हो सकता है वो गाड़ी दूसरे रास्ते से ले जाए आपको, पता नहीं। हाँ क्यों यार भैया, वो वाइट रन का रास्ता कहाँ से है? तो यहाँ एंट्री करवाना पड़ेगी, परमिशन लेना पड़ेगा वहाँ से, सामने एंट्री नहीं देगा, अभी नहीं देगा एंट्री नहीं देगा, परमिशन नहीं होगी तो वहाँ से अभी मिल जाएगा। अच्छा ओके, कहाँ से लेना परमिशन? हाँ जी हाँ जी बोल। घुमा रहे हो क्या? नहीं घुमा नहीं रहा हूँ, ये इधर लेफ्ट में ले रहा हूँ परमिशन लेने के लिए। आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ, ठीक है। आपका आई कार्ड लगेगा, आपके गाड़ी का नंबर लगेगा और उसके बाद आपको यहाँ से अगर परमिट लेंगे तो एक दिन के लिए परमिट आपको मिलता है। सो यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाके वाइट रन आएगा। सो गाइस ये है रन ऑफ कच्छ, ये पूरा वाइट नमक आपको दिख रहा है, देखिए ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक ज़माने में ये जो जगह थी ये एकदम मतलब यहाँ के लोकल्स इतने परेशान हो गए थे यहाँ से कि वो इस जगह को अबैंडन करके जाना चाहते थे। फिर टूरिज़्म आया, कुदरत का निज़ाम देखो कि अभी दूर दूर से लोग यहाँ पर इसको एंजॉय करने के आते हैं। ये पूरा वाइड है, ठीक है, यहाँ पे चलना उतना आसान नहीं जितना आपको दिख रहा है। चलोगे यहाँ पर तो ये अगर नमक अभी पूरा सूखा नहीं है, ठीक है, तो ये थोड़ा मडी रहता है, मतलब आपका पैर स्लिप होता है, थोड़ा धंसता है, ठीक है। जितना आप आगे जाओगे उतना आपको वर्जिन नमक मिलता जाएगा और अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको कदमों के निशान मिलेंगे। सो दिस इज अबाउट द वाइट रन ऑफ कच्छ, वाइट सैंड, नमक, यू नो सॉल्ट डोम्स, नॉट ए डोम, दैट विल बी टू मच ऑफ जियोलॉजी। सो वहाँ पर जो है पीछे वो वहाँ पर कुछ फंक्शन चल रहा है, डांस है, लोकल जो मतलब फूड वगैरह सब कुछ वहाँ पर है, ठीक है, और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने सनसेट देखा, तो सनसेट की ये खासियत है सपोज़ क्योंकि वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है कंट्री का, ठीक है, फ्लैट है तो सनसेट बड़ा अच्छा है, मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया बट देन आई डिड एंजॉय, आई डिड विटनेस इट। तो गाइज अभी हम लोग वापस निकल गए हैं। अच्छा अभी हम लोग जो है ना सीना जो हमारा रेडियो है उसको हमने कनेक्ट किया है रेडियो मोड पे, मतलब मेश मोड पे, ठीक है, तो चैनल 1 पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ओ माय गॉड, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ट्रक पलटा हुआ है गाइस, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ट्रक पलटा हुआ है, ये अभी गिरा है क्योंकि अभी इससे पहले तक तो हम अभी क्रेन भी आ गई है, पाओगे रोड मोड पे प्रॉब्लम आ रहा है, पता है ब्लू पर चलाना मुश्किल है, क्यों सेफ्टी रूल के लिए। अच्छा ओके
तो गाइस अभी हम रॉयल डच शेल पे हैं, ठीक है। ये शेल का पेट्रोल पंप है। ये जो है यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको जब फ्यूल भराना है तो आपको गाड़ी से नीचे उतरना है और दूर जाना है, ठीक है, तभी वो फ्यूल भरते हैं। ये सेफ्टी रूल है इनका, जो कि बहुत अच्छी बात है। शेल एक सुपर मेजर है। सुपर मेजर का मतलब जो वर्ल्ड की जो 7 बड़ी कंपनीज हैं उनमें से एक है, मतलब शेल हुआ, शेवरॉन हुआ, एक्सन मोबिल हुआ। यहाँ पर फ्यूल थोड़ा महंगा है क्योंकि जो 96 का फ्यूल है पेट्रोल नॉर्मल, वो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 106 रुपये।